जय जोहार, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ वैभव और इस खास मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आज हमारे साथ हैं राजधानी रायपुर के कुछ युवा कवि। सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूँ। इरफान हैं, काफी अच्छे गीतकार हैं, लगातार मंचों पर वो जो है प्रस्तुति देते रहते हैं। स्मृति हैं, शिक्षिका हैं, लेकिन वो भी आजकल बहुत अच्छा गीत लिख रही हैं। ईश्वर साहू हैं, बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ी के गीत लिखते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे गीत लिखे जिनका काफी जो है एक तरीके से कहिए कि बहुत जबरदस्त तरीके से उनका प्रचार प्रसार हुआ, उनकी खूब चर्चा हुई और ईश्वर को सराहना मिली। और शशि दुबे जी हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो अक्सर जो है इस तरह के कवि सम्मेलनों में और मंचों पे आपको दिखाई देते रहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो इरफान, सबसे पहले आपसे जो है शुरुआत करना चाहेंगे कि कहाँ से बात को शुरू की जाए। है मेरी शान हिंदुस्तान, है मेरी जान हिंदुस्तान, मेरा जहान हिंदुस्तान, मेरा ईमान हिंदुस्तान। भले सदियां गुजर जाएं, उम्र इसकी ना ढल पाए, कभी बूढ़ा ना ये होगा, है ये जवान हिंदुस्तान, है ये जवान हिंदुस्तान। और कुछ एक शेर देखे कि बुराई और भलाई का सबक पहचान लेते हैं। देखिए हमारे भारतवासी कितने सीधे साधे हैं भैया, कि बुराई और भलाई का सबक पहचान लेते हैं, कि हम कमजोर लोगों का कहाँ एहसान लेते हैं। बुराई और भलाई का सबक पहचान लेते हैं, कि हम कमजोर लोगों का कहाँ एहसान लेते हैं। मेरे भारत के रहने वाले इतने सीधे साधे हैं, सियासत झूठ भी कहती है तो सच मान लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे भारत के रहने वाले इतने सीधे साधे हैं, सियासत झूठ भी कहती है तो सच मान लेते हैं। और चार में से तरन्नुम में पढ़ देता हूँ, देखिएगा। एक लफ्ज आएगा अदावत, उसके मायने होते हैं दुश्मनी। जो दंगे छेड़ दे ऐसी सियासत हम नहीं करते, जो दंगे छेड़ दे ऐसी सियासत हम नहीं करते, किसी की भी अमानत में खयानत हम नहीं करते, किसी की भी अमानत में खयानत हम नहीं करते। ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तानियों का, ये सलीका है, ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तानियों का, ये सलीका है। मोहब्बत हमको आती है, अदावत हम नहीं करते, मोहब्बत हमको आती है, अदावत हम नहीं करते। और कुछ हिंदी की पंक्तियां पढ़ देता हूँ, फिर आगे दौर बढ़ाया जाएगा। देखिएगा, देशभक्ति की हम बात करते हैं, लेकिन असल देशभक्ति की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। उसी हवाले से कुछ पंक्तियां देखिएगा कि शाहरुख सलमान जैसा नाच गाना सीख गए, वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। शाहरुख सलमान जैसा नाच गाना सीख गए, वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। और पैसे और बिल्डिंग की ऊंचाई पे लगे रहे तो चोटियों पे ध्वज फहराने कौन जाएगा। पैसे और बिल्डिंग की ऊंचाई पे लगे रहे तो चोटियों पे ध्वज फहराने कौन जाएगा। और सारे पढ़ लिख के जो अफसर हो जाएंगे तो खेतों में वो हल को उठाने कौन जाएगा। कि सारे इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे तो फिर देश पर जान को लुटाने कौन जाएगा, देश पर जान को लुटाने कौन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया इरफान, बहुत बढ़िया। और इरफान के साथ हम ऐसे गीतों का जो है सफर जारी रखेंगे, लेकिन स्मृति से सुनते हैं कि स्मृति क्या सुनाने वाली है। स्मृति नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को आजादी पर्व की शुभकामनाएं, और शुरुआत में आजादी से ही करूंगी। दौलत न अदा करना मौला, शोहरत न अदा करना मौला, दौलत न अदा करना मौला, शोहरत न अदा करना मौला, सम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। और कुछ ही दिन के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार तीजा पोरा आने वाला है। तो एक कोरोना के मारे हमार बहनी मन हा, हमार बेटी मन हा, हमार दाई मन हा अपन मई के नहीं जा सके, तो मई के
सुरता करी और मैके में माँ बाप मन हा लड़का के सुरता करी और लड़का मन हा जे लड़की मन रही थे बेटी मन रही थे वो मन हा घर ला महका थे और क्या कहा थे तो उघर में हा हिंदी माँ अपन एक गीत बना के लाए हूँ तो माता पिता के मन से निकल थे। नए घड़े के पानी से जब नए घड़े के पानी से जब मीठी खुशबू आती है क्यों लगता है बेटी मुझको तेरी खुशबू आती है। नए घड़े के पानी से जब मेरी खुशबू आती है यू लगता है बेटी मुझको तेरी खुशबू आती है। छम छम करती पायल से जब छम छम करती पायल से जब घर मेरा महकाती है ड्यूटी से जब ढक कर आता प्रेम सुधा बरसाती है। पिता की नन्ही परी आई दस जिसकी रीत पर आई पिता की नन्ही परी कहाई सदस्य जिसकी प्रीत पर आई मैया की वो जिगर का टुकड़ा हर पल देखी उसका मुखड़ा भाई को खुश रखने खातिर भाई को खुश रखने खातिर खुशियां दाम लगा दी है यू लगता है बेटी मुझको तेरी खुशबू आ रही है। दूजे गुल में जाकर भी वो सुराल महकाती है बेटी होकर भी बेटों सा अपना फर्ज निभाती है। मृगननी से फुदक फुदक कर मृगननी से फुदक फुदक कर घर को स्वर बनाती है यू लगता है बेटी मुझको तेरी खुशबू आती है। वाह प्रभु जी तेरी खुदाई अद्भुत रचना तूने बनाई वाह प्रभु जी तेरी खुदाई अद्भुत रचना तूने बनाई पीहर को भी स्वर्ग बनाया नैहर में भी मान बहाई वस्तु कन्या दान की गई वस्तु कन्या दान की गई ना कहीं ना पाती है चली जा रही धर्म निभाती फिर न वो कुचाती है। घर बगिया महकाती पल पल घर बगिया महकाती पल पल भीगे नैन छुपाती है यू लगता है बेटी मुझको तेरी खुशबू आती है। पापा की परी माँ की लाडली अस्थि तो बचा नहीं पाती है यू युगों से पूजदा जारी अपना धर्म निभाती है। मेरी प्यारी लाडली को भी मेरी प्यारी लाडली को भी मान मिले सम्मान मिले खेल सौम्यता से ना खेले ऐसा हिंदुस्तान मिले ऐसा बहुत ही बढ़िया ईश्वर भाई है ईश्वर आजादी जश्न आजादी के मौके पर आसन होगा। तो मैं तो छत्तीसगढ़ी गीतकारों छत्तीसगढ़ी मैं सुना हूँ मतलब है ना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के एक पावन अवसर है ना वो छत्तीसगढ़िया और देशवासी मतलब पूरा 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई है और आपके चैनल ला भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन हमला यहाँ नहीं नहीं आप मन के युवा मन से जिन भारत है आपे जैसे जिन है तारीख बेटा मनबर जिन है लक्ष्मण मसूरिया श्री लक्ष्मण मसूरिया जी लिख के चल देते भारत माँ के रतन बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली मैं तो लक्ष्मण मसूरिया जी ला जो मूर गुरुदेव है मैं ओला नमन करना चाहूँ उमल्ला सुरता करे करके स्वागत है। चार लाइन उकर गाना चाहता हूँ। भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आया रे मैं छत्तीसगढ़ी आया रे मैं छत्तीसगढ़ी आया रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आयो रे
मैं छत्तीसगढ़ी आया रे, मैं छत्तीसगढ़ी आयागा। सोने उगा था माटी खा था, माने ला दे के हंसी पाथा। खेती खार मोर संगी मितानी, घाम माया रोहित बाबानी। झन कहा लीलवा बेटा, बढ़ी आयो रे मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे, मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे। भारत माँ के रतन बेटा, बढ़ी आयो रे मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे, मैं छत्तीसगढ़ी आयोगा। बहुत बहुत बढ़िया गीत है, जिकर कारण हमला अपन मातृभूमि के प्रति मया श्रद्धा बाढ़ जाते। मैं वो वीर मल्ला नमन कर दो लाइन कहना बोलना चाहता हूँ। नंदिया के तीर मा, पीपर के छाव मा। गांव गांव की जिन संगी संगवारी मन होते, वो सैनिक ला याद करते जिन बचपन मोखर संग में खेले रहे थे। बिल्कुल। और आज बोला याद करके अंदर की भावना यही प्रकट करते है। नंदिया के तीर मा, पीपर के छाव मा, हलूपुरवा चले रे संगवारी। गजब दिन भई के देखे रे तोला, गजब दिन भई के देखे रे तोला। अबड़ सुरता आवत दोस्तदारी, अबड़ सुरता आवत दोस्तदारी। ये थे हमर छत्तीसगढ़िया अंतस के भाव। बिल्कुल। आओ एक ठन बहुत बढ़िया देशभक्ति गीत है, मातृभक्ति गीत है, जेल में भाई कांति कार्तिक के आवाज में वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आप मन यूट्यूब में जरूर सुन सकते हैं गीत ला। बढ़िया संगीत तो मैं सुन सकता हूँ, अभी तो मैं बिना संगीत के गा देता हूँ। मैं धरती हूँ, मैं बादल हूँ, मैं हवा पानी आगी हूँ। मैं पुरखा वीर शहीद के लेका बागी हूँ बलिदानी हूँ। मैं धरती हूँ, मैं बादल हूँ, मैं हवा पानी आगी हूँ। मैं पुरखा वीर शहीद के लेका बागिया बलिदानिया। मैं वंदे मातरम गाथा, मैं जय जोहार जोहराथा। मैं वंदे मातरम गाथा, मैं जय जोहार जोहराथा। माटीला माथ नवा के मैं जय जोहार जोहरा था। माटीला माथ नवा के मैं जय जोहार जोहरा था। वीर नारायण मैं गुंडा धुर आवो मैं बिरसा जी। खूब चंद के मैं सपनाया कलापुत मदरा जी। भारत के रखवारी करथों वीर हरों सरहद के। मही हरों बनिहार के रतन बेटा छत्तीसगढ़ के। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तुर जावत हो बलिहारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तुर जावत हो बलिहारी। मैं भारत माँ के बेटा, मैं तोर हरों चिन्हारी। मैं भारत माँ के बेटा,
मैं तोर हरा चिन्हारी, मैं धरती आ मैं बादल आ मैं हवा पानी आगी आ, मैं पुरखा वीर शहीद के लईका बागियां बलिदानियां, बागियां बलिदानियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। शशि मैम, सर्वप्रथम तो मैं स्वराज चैनल को धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ जिसने मुझे मौका दिया, और जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, सबको कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दरअसल स्वतंत्रता का अर्थ वही समझ पाता है जिसने कभी परतंत्रता देखी हो। हाँ, और हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक परतंत्रता का दुख भोगा है। बिल्कुल। तो आज जब यह तिरंगा लहराता है तो हमारा मन झूम झूम जाता है, लहर लहर हमारा मन भी उसके साथ ही लहराता है। हमें यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली, या ये इस तिरंगे को फहराने का यह शुभ अवसर आसानी से नहीं मिला। इसमें हमारे बहुत से शूरवीरों ने अपना बलिदान दिया है, बहुत माओं ने अपने बेटे खोए हैं, बहुत महिलाओं ने अपना सिंदूर खोया है, और बहुत बच्चों ने अपने बाप को खोया है। ऐसे बड़े हम लाए हैं तूफान से, कश्ती निकाल के करके आज ये हमको यह दिन देखने को मिला है। तो मैं कहती हूँ हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपने देश के प्रति, और किसी ने सच ही कहा है कि उत्थान असंभव है जब तक जनमानस देश का सोचा, आज स्वार में लीन रहा तो निष्ठी कल होएगा। अरे देश के प्रति तुम्हारा भी है कुछ कर्तव्य, निभाओ तुम और माँ दूध के कर्ज से ले देश कर दिखाओ तुम, देश का कर्ज का। जिन लोगों को फिर भी हमारा यह हमारा देश बहुत सुंदर विविधताओं वाला देश है, फिर भी अगर जिन्हें कुछ लगता है तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मौजों की बला से जो खबरदार नहीं है, किसी ने कहा है कि मौजों की बला से जो खबरदार नहीं है, कश्ती में बैठने का वो हकदार नहीं है। अच्छा है निकल जाए वो चुपचाप चमन से, मैं ही गुलसिता का जो वफादार नहीं। वफादार है, बहुत बढ़िया। तो स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों बधाइयां, और जैसा कभी मैडम ने स्मृति मैडम ने क्रिया के लिए नया ये बात तीसरी जा रही है, ये कोरोना ऐसा है कि तीसरा नहीं जाने दे रहा है, और तीसरा नहीं जाने से बेटों के नहीं आने से माँ बाप कपड़ा त्योहार तो मैं सुना सुना सा हो जाता है, क्योंकि मैंने जो चार लाइनें लिखी थी बेटियों के लिए, फूलों की कोई कल न कीमत कोई होती, घर में बसी भी किसी खुशबू नहीं होती, घर हमारे चारों तरफ यहाँ की खेल खिलाती बेटिया न हो तो ये दुनिया की के रह के लाया नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लिए मेरी कंधा प्रश्न है जिसका शीर्षक है एक अधूरी कंधा। चाहा था मैंने एक बार बालू सभी की ईश्वर का एक ही चित्र, चाहता मैंने एक बार बना सभी की ईश्वर का एक ही चित्र, शायद स्वप्न था विचित्र इसलिए पूरा न हो सका। फिर मैंने चाहा कि राम अल्लाह ईसा जैसे शब्दों को समेट कर दे दूं एक नया अर्थ, किंतु मेरा यह प्रयास भी रहा व्यर्थ, किंतु मेरा यह प्रयास भी रहा व्यर्थ। मैंने जो जो शब्दों को समेटना चाहा वो बिखरते चले गए मेरे हाथों से, पानी की तरह अंजूरी से बहते चले गए, और इससे पहले कि मेरी भावनाओं का रंग चढ़े इन शब्दों पर, वे रंग गए रक्त से, आहत हुए अपने ही भक्त से। बहुत बढ़िया, गुंजित न हो पाई मेरी ध्वनि, बन नहीं पाई प्रतिध्वनि, और मेरी यह कविता अधूरी ही रही, अधूरी ही रही, अधूरी ही रही। जय जोहार, जय छत्र। अभी छोड़ेंगे नहीं, कुछ एकाक और एक दो लाइन हो जाए, चार लाइन आपको मैं और सुना दूं कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ शिकायत रहती है अपने जीवन से, है ना? आपको आपको भी शिकायतें रही होगी डॉक्टर साहब से। सबको कुछ न कुछ शिकायतें रहती है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि हम मुंह उतारे
उदास रहे हैं, है ना। तो मैंने लिखी थी चार लाइनें कि कोई चैन से नहीं सोता है, कोई चैन से नहीं सोता है, सबका दिल दर्द से भरा होता है। अरे ये बात और है कि किसी का दर्द हंसकर तो किसी का रोकर बयां होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा, देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष का परचम बुलंद, टीवी 9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी 9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। हम अपने दर्शकों को जो है बता देते हैं कि YouTube वाली स्मृति आज हमारे साथ है। Facebook और YouTube पे आजकल खूब इनको सुना जा रहा है। मैं सुनाना चाहती हूँ पापिन मधुशाला। अच्छा, है ना। हाँ। बड़ा सीरियस टॉपिक है। हाँ। है ना। और अभी कुछ ही दिन पहले मधुशाला के कारण से शायद बहुत वो भी हुआ समाज में कि कोरोना के चलते मधुशाला ना खोली जाए। हाँ। तो उसके लिए बहुत सारे घरों में कुछ कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, तो उस पर मैंने लिखा था कभी। कसमें खाई थी लाख, कसमें खाई थी लाख, पूरा न किए एक आध, सपनों विश्वास को कर जाते खास, बना जाते मुझे हमेशा अधसुलगी रात। नित करते मुझसे वादा, नित करते मुझसे वादा, मेरे मन का जान इरादा, खाता हूँ तुम्हारी कसम, खाता हूँ तुम्हारी कसम, न मैं खाने में रखूंगा कदम। फिर अगले पल मदहोशी की हालत में हाल हुए बदहाल, मेरे हाल पर तरस खा लाते कुछ मोहल्ले वाले, इनको अपनी ही सुध नहीं, इनको अपनी ही सुध नहीं, जीवन इनका नशे के हवाले। ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, इतने अश्रु क्यों तूने मेरे ही दामन में डाले। गर मुझसे हुई कोई खता, गर मुझसे हुई कोई खता, ए मालिक मुझे बता और दे दे सजा, पर ना छोड़ इस नारकी जीवन में, पर ना छोड़ इस नारकी जीवन के हवाले। गर तूने मदिरा बनाई ना होती, गर तूने मदिरा बनाई ना होती, तो मासूम ने मेरी जान गंवाई ना होती। घर में ना था खाने को एक दाना, घर में ना था खाने को एक दाना, कैसे ले जाती, कैसे ले जाती बेटी को मैं दवा खाना। दवा खाना, बहुत बढ़िया। जब वत्सला बुखार से रही थी तब, सारी सारी रात आँखों में काटी थी तब, उसके पिता कब आए और उसका इलाज कराए, बस और बस यही सोचती जाती थी। चौखट निहारते बीती वो काली रात, सिहर उठती हूँ याद कर वो बेरहम बरसात, मेरे लिए बनी वो जिल्लत भरी रात, भोर हुई कोई ना आया, भोर हुई कोई ना आया, न जाने कब मेरी लाडली ने अंतिम से स्वाद भी गंवाया। आज भी देती हूँ मैं खाने को दुहाई, आज भी देती हूँ मैं खाने को दुहाई, इस मैखाने की मधु ने न जाने कितने घर किए बर्बाद। सुन ओ ऊपर वाले मेरे मानस की फरियाद, करती रहेंगी तकदीर का मुंह काला, छीनती रहेगी कातुर मुख से निवाला, समझेगा निरीह और अदना सा आदमी, समझेगा निरीह और अदना सा आदमी, खुद को औरों से बहुत ताकत वाला। जब तक रहेगी फलती फूलती नेताओं का जेब नोटों से भरती, ये पापिन मधुशाला, ये पापिन मधुशाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर भाई से एक जो है एक मुखड़ा सुन लेते हैं छत्तीसगढ़ी का कोई बढ़िया सा जो है। और जो मैडम अभी कह रहे थे वही बात मैं भी बता देता हूँ कि
जिसके तन पे सफेद पोश और खादी हो, जरूरी नहीं है कि वही आजादी हो। तो ईश्वर भाई एक बढ़िया जो है कोई एक गीत सुना दो छत्तीसगढ़ी का कोई। मैं कबीर वाणी से संबंधित बहुत बढ़िया स्वागत है। अभी खूब चला है वो, है ना? बिल्कुल मैं वही सुना, बिल्कुल वो समरसता का संदेश है वो, बहुत बढ़िया। ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके, ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। काला त्याग ना है काला अपना ना है, काला त्याग ना है काला अपना ना है। कबीरा सिर तुम बताना ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके, ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। पोथी पढ़ी पढ़ी जगत के साधो पंडित सार न पाए हो, उरहा धुरहा बोली बचन ले माया जार दुरिहाए हो, माया के आखर जिंदगी म पढ़ ले माया के आखर जिंदगी म पढ़ ले, तब पंडित ते कहाना ये ताना बना रे बहुत बढ़िया। जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके ये ताना बना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। मन के जन्म धरे जिये रे असुर कस निर्बल के तन खाना हो, सुख पाए बर सबला दुखाए अपने अपन खपलाना हो। विधि के विधान बनाए विधाता, विधि के विधान बनाए विधाता, तोर के फेर झन बनाना ये ताना बना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके, ये ताना बना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। गुबजा पथरा मेरे गोठियाए दाई दादा सोन बोल हो, जन्म देवैया बैरी बने हैं बैरी सोहे भेद खोल हो। घर मंदिर है बिन भगवान के, घर मंदिर है बिन भगवान के, बिरथा भक्ति दिखाना ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके, ये ताना बाना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। चारी चुगली दूसर के आगू अपन अपने अपन सही राय हो, अपन चरित्र तोप ढाक के दुनिया भर खोदियाए हो। बिरथा है तोरे मान बड़ाई, बिरथा है तोरे मान बड़ाई, पाँच के पचीस बताना बना रे जिंदगी के रद्दा नहीं खोज सके। अंत कहत कबीरा सुन भाई साधो जिंदगी लुख सरे हो, मारथ के रेंग रद्द
कर दे सतमाग अपना ना ये ताना बनाए जिंदगी के रखाने खो काला त्याग ना है काला अपना ना है कबीरा फिर तुम बताना ये तना बना रे जिंदगी के दाने खोज सके ये ताना बना रे जिंदगी के दाने खोज सके बहुत बढ़िया और आज के इस काव्य पाठ का जो है समापन इरफान की कविता से उनकी गीतों के साथ करेंगे। इरफान कोई बड़ा सा जो है गीत हो जाए या नई रचना जो कि तुमने कल ही जो है उसको नई रचना उससे ही अलग सुनाता हूँ मैं तो कुछ समय बचा है बिल्कुल बिल्कुल तो एक गीत दो वन पढ़ देता हूँ। बिल्कुल व्यक्ति जो हमारे देशवासियों की जो खास होती है कि अपनी मिट्टी से बहुत गाँव होता है मरते दम तक लगाओ नहीं जाओ मरने के भांति जाएगा गाँव इस पर एक छतरी रचना दिखा तोरे संगमा जाहिरे माटी के माया तोरे संगमा जाही माटी के माया तोरे संगमा जाही तोरे संगमा जाहिरे माटी के माया तोरे संगमा जाही माटी के घर द्वारे संगी माटी ठौरी ठिकाना माटी माँ खेले कूदे हन माटी माहे जाना माटी के घर द्वारे संगी माटी ठौरी ठिकाना माटी माँ खेले कूदे हन माटी माहे जाना माटी के पहुनान हमन हो माटी के पहुनान हमन तन मन सहित के जाही माटी माँ सनाही रे माटी के माया तोरे संग मा जाही तोरे संग मा जाही रे माटी के माया तोरे संग मा जाही गांव गवई मा रहने वाला एक किसान के बेटा गांव गवई मा रहने वाला एक किसान के बेटा हिंदू मुस्लिम बाद म पहली हस इंसान के बेटा हिंदू मुस्लिम बाद म पहली हस इंसान के बेटा मानवता के धर्म निभाते हो मानवता के धर्म निभाते बन दुख सुख के साथी इही काम आही रे माटी के माया तोरे संग मा जाही तोरे संग मा जाही रे माटी के माया तोरे संग मा जाही। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। और नई गीत जो तुमने महातारी वंदना की है जी उसका एक जो है मुखड़ा मैं मुखड़ा उसका पढ़ देता हूँ देखिएगा वो संगीत में ही रहता जैसे ईश्वर भाई ने बताया तो ठीक लगता मैं पढ़ देता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ महातारी के ऊपर से गीत है देखिएगा कि आरती उतारा जैसे लामे तोरे गाँव हीरे दहे माँ बसावा छत्तीसगढ़ी माँ आरती उतारा जैसे लामे तोरे गाँव हीरे दहे माँ बसावा छत्तीसगढ़ी माँ जय हो छत्तीसगढ़ी माँ जय हो छत्तीसगढ़ी माँ जय हो छत्तीसगढ़ी माँ जय हो राखे ते मोला उपकारे तोरे मैया लागो मैं तोरे पैया आरती उतारो जसला मैं तोरे गाँव हीरे दय मां बसावा छत्तीसगढ़ी मां।
बहुत बहुत धन्यवाद। वो अंतरा अगर हो हिंदू जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय छत्तीसगढ़ महतारी। कौन सा अंतरा बोल रहे हैं? हिंदू मुस्लिम वाला जो अंतरा था वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई राखे सबे माए का। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई राखे सबे माए का, अचरा में सब ला समेट के राखे माने सबेला बेटा। अचरा में सबला समेट के राखे माने सबेला बेटा। मस्जिद के गूंजे आजा, मंदिर मा चौपाई, गुरुद्वार के गुरु लागे सुगर दाई, सब नारे नारी सुमरा थे तोला, सब बरहे तोरे छईहा, लागो मैं तोरे पैया। आरती उतारा जसला मैं तोरे गावा, हृदय मा बसावा छत्तीसगढ़ी मा, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय छत्तीसगढ़ महतारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इरफान। और इरफान ने जो बात की उसी बात को मैं आगे ये कहता हूँ कि मस्जिद में गीता पाठ हो मंदिर गुंजे अजान, मस्जिद में गीता पाठ हो मंदिर गुंजे अजान, ऐसा हो मेरा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो है हम इस रूप में देखते हैं जहाँ पे सर्वधर्म सब जो है एक समान है, और इसी भाईचारा को बांटने की कोशिश आज हमने स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर की है। और अंत में मैं ये बात कहूँगा कि स्वतंत्रता को जो है मैं किस रूप में देखता हूँ, आज आज़ादी के इतने बरस बाद मैं उसको किस रूप में देख रहा हूँ, मैं इसी रूप में देख रहा हूँ कि किसी भी नेता अधिकारी के घर ना हो कोई फरियादी, किसी भी नेता अधिकारी के घर ना हो कोई फरियादी, सबके हिस्से उसका अपना हक हो, सबके हिस्से हो आज़ादी। तो आज़ादी की इस मौके पर आज इतना ही, सबको बहुत बहुत मुबारक हो स्वतंत्रता दिवस, और हमारा भारत इसी तौर पर इसी रूप में अखंड रहे, समृद्ध रहे और भाईचारा एकता बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।